कश्मीर जमहूरियत का कत्ल करने वाले मुर्दाबाद। पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है और हर रोज प्रशासन द्वारा यहां नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा रहे। हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए अपने एसी कमरों से बाहर निकलें और जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं। किसी भी रियासत में नहीं हुआ होगा और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में इस किस्म की तानाशाही कहीं और देखने को मिल रही है जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। और नेता लोग खामोश बैठकर अपने घरों में घुसे हुए हैं, अपने बिल्लों में घुसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डर कर। हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई, जमहूरी निज़ाम से हम लोगों को वंचित कर दिया गया, बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को पांव तले रोंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी असेंबली को भी फिल्मी कंपनियों को आउटसोर्स ऐसा लगता है कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की असेंबली को फिल्म स्टूडियो बना दिया गया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रश बना दिया गया, जहां अफसरों के बच्चों को खेलने कूदने के लिए वो बिल्डिंग उनके हवाले कर दी गई थी, जैसा कि आप जानते भी हैं। इतिहास में आज तक हमने कभी नहीं सुना कि फिल्में की शूटिंग करने के लिए नाचने गाने वालों को आप असेंबली के अंदर घुसाते हैं, और घुसाते नहीं है बल्कि उनको ऐसा लगता है कि आउटसोर्स कर गया, क्योंकि तीन बार पहले भी वहां फिल्म कंपनी को वो शूटिंग करने के लिए असेंबली कॉम्प्लेक्स को दे दिया गया था। जब भी फिल्मों की शूटिंग होती है तो फिल्म कंपनी वाले अपना सेट बनाते हैं, खुद का सेट बनाते हैं, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में हमारी असेंबली जो है, जिसको मंदिर कहा जाता है जमहूरियत का, जिसको वी कॉल देम एज टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी, हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फिल्म स्टूडियोज इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे बड़ी लानत किसी सरकार के लिए और क्या होगी। और जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, भ्रष्टाचार का यहां बोलबाला है, लोगों को नए नए टैक्स लगाकर लूटा जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर, स्मार्ट मीटर्स के नाम पर, मंदिरों के शहर में पहले आपने ठेके खोल दिए और अब जमहूरियत के मंदिर को नाचने गाने वालों के हवाले आपने जिस तरीके से किया है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं। आपने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित किया हुआ है, 5 साल से जमहूरियत से लोगों को महरूम रखा हुआ है बगैर किसी वजह के। बड़े बड़े बयान देते हैं दूसरी स्टेटों के में जाकर कि जम्मू कश्मीर में हमने हालात ऐसे बना दिए जैसे आज तक कभी नहीं थे, जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं बाकी स्टेट्स के अंदर, और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पैरों तले रौंदने वाली यह सरकार हमें नहीं चाहिए। जिस तरीके से जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की अनदेखी की जा रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ जम्मू कश्मीर को, जिस तरीके से बेरोजगारी पहले पायदान पर पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका जवाब चाहते हैं हम। और जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह कहना चाहते हैं कि अपनी ऐसी कमरों से बाहर निकलिए। अगर आप अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, अगर इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के आवाम को इसी तरीके से अपने पैरों तले रौंदा जाता रहा और जम्मू कश्मीर को इसी तरीके से एक वर्कशॉप की तरह ट्रीट किया जाता रहा, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने कार्यालय बंद करके कहीं अपना और दूसरा जुगाड़ कर लेना चाहिए।
क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के काबिल ये लोग नहीं।